हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सरलीकरण का अर्थ है कि किसी भी प्रश्न को सरल करना। तो कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिनको सरल करने में थोड़ी दिक्कत फील होती है। जैसे अगर किसी भी प्रश्न में गुणा, भाग, जोड़, घटाना सभी आ जाता है तो सोचना पड़ता है कि सबसे पहले हम इसमें क्या करें। तो इस तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको भाग करना होगा, भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ करेंगे, तो देखिए जोड़ के बाद फिर घटाएंगे। तो इस तरह से देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए इस प्रश्न में है कि 21 प्लस 18 भागे 3। देख रहे हैं इसमें प्लस लगा है और भाग लगा है। तो जब प्लस लगा और भाग लगा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भाग को तोड़ना है। तो हम इसको लिखेंगे 21 प्लस 18 में 3 का भाग करेंगे तो 18 में 3 का भाग करें कितना हो जाएगा, 3 छके 18 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब 21 और 6 को जोड़ दो ना, 21 6 को जोड़ देंगे आ जाएगा 27। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए प्रश्न है कि 123 भागे 81 माइनस 81 भागे 9। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले भाग तोड़ना है। तो पहले 123 माइनस इसके बाद 9, 81 में 9 का भाग करेंगे तो जब 81 में 9 का भाग करें कितना हो जाएगा, 9 9 81, यहाँ 9 आ जाएगा। तो अब इसके बाद 123 में से 9 घटाएंगे, देखिए 13 से 9 गए 4 हो जाएगा, आ जाएगा 114। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न बहुत ही सरल है, केवल आपको समझना है। आपके समझ में आ जाएगा तो किसी भी प्रश्न को आप बड़े सरल ढंग से कर सकेंगे। तो इसी तरह से देखिए कुछ हम प्रश्न कर लेते हैं। चलिए देखिए एक प्रश्न है, इसमें देखिए लिखे 12 माइनस 13 माइनस, देखिए 13 कोष्ठक में लिखा गया है, 13 माइनस 12 भागे 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, 12 में भाग 3 का देंगे तो 3 चौक 12 आ गया 4। अब इसके बाद आपको कोष्ठक तोड़ना है। तो जब कोष्ठक तोड़ेंगे देखिए 13 में से 4 को माइनस कर कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हो जाएगा 12 माइनस 13 से 4 घटाएं 9 आ गया 9। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। इस तरह से 3 आपका आंसर आ गया। देखिए इसी तरह से इस प्रश्न को आपको करना है। इसमें देखिए लिखा है 13 माइनस, देखिए कोष्ठक में लिखा गया है 8 गुणे 2। तो सबसे पहले आप इसे तोड़ देंगे तो 8 गुणे 2 8 दुनी 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया 16। फिर देखिए धन 3 है, अब आपको धन करना है। तो देख रहे हैं धन 3 और 13 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 3 ये हो जाएगा 16। 16 माइनस 16, 16 में 16 घट गया, आ गया 0। इसी तरह से देखिए लिखा है कि 117 भागे 7 धन 6 कोष्ठक में लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लिख देंगे हो जाएगा 117 भागे 7 और 6 13 हो जाएगा। अब 117 में 13 का भाग करें 13 9 117, आंसर आ गया 9। इसी तरह से आपको किसी भी प्रश्न को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि 28 माइनस 5 गुणे 7 है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले भाग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 7 ये हो जाएगा 35 हो गया, फिर प्लस 7 कर देंगे। देखिए अब ये 7 है और ये 28 है, ये माइनस है तो प्लस यहाँ पर है और प्लस यहाँ पर है। तो पहले हम प्लस वालों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 और 7 ये 35 हो जाएगा। तो हो गया 35 माइनस 35, अब 35 में से 35 को अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0। यही आंसर आपका 0 आ गया।
आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तथा हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।